नव पल्लवित पौधे की तरह है ट्रस्ट, इसे सींचना महत्वपूर्ण कार्य, बोहरा। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के नव निर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा ने किया कार्य ग्रहण। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा ने परशुराम सेवा सदन मचकुन रोड धौलपुर पर एक सादा समारोह में कार्य ग्रहण किया। मीडिया प्रभारी प्रशांत हुंडावाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में ट्रस्ट के संस्थापक पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा ने शिरकत की। भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्य अर्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ हुआ। नव निर्वाचित अध्यक्ष बोहरा ट्रस्ट के संरक्षक समिति डॉक्टर रामरचलाल शर्मा ने ट्रस्ट के संस्थापक ने वर्तमान अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा का शाफा व सॉल के साथ माल्य अर्पण कर स्वागत किया। इसके बाद सभी ट्रस्टियों ने संस्थापक अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। ट्रस्ट के निवर्तमान अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री ने नव निर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा को शाफा पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उपस्थित सभी ट्रस्टियों ने दोनों का स्वागत व सम्मान किया। उसके बाद विधिवत कार्यग्रहण की प्रक्रिया संपादित की गई। उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के संस्थापक व निवर्तमान अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा ने कहा कि सभी का स्नेह एवं प्रेम मेरी शक्ति रही है और इसी शक्ति से हर सार्वजनिक कार्य का बीड़ा उठाने और उसे पूरा करने का साहस मिला। उन्होंने ट्रस्ट के नव निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पीसी बोहरा जी को बधाई देते हुए कहा कि पूरी ट्रस्ट को पूर्ण विश्वास एवं अपेक्षा है कि पीसी बोहरा के नेतृत्व निर्देशन में सभी के सहयोग से ट्रस्ट के द्वारा निर्मित भगवान परशुराम सेवा सदन को और अधिक भव्यता मिलेगी व शेष रहे कार्य पूर्ण होंगे। इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट की भामाशाह स्वर्गीय लीला त्रिपाठी, स्वर्गीय जमनालाल पुरोहित पालीवाल व अन्य सभी दिवंगत ट्रस्टी बंधुओं को नमन व उनके योगदान को याद करते हुए सभी को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर अच्छे कार्य में चुनौतियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अड़चनें भी आती हैं, समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह की सभी समस्याओं का सामना करते हुए सभी के अटूट विश्वास और निष्ठा एवं सहयोग से धर्मशाला निर्माण कार्य में लगी टीम के सदस्यों द्वारा दिए गए अपने अमूल्य समय व सहयोग से अकल्पनीय बहुमंजिला विशाल भवन का निर्माण संभव हुआ। सभी की मेहनत के लिए साधुवाद व शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा ने इस अवसर पर 12 दानदाताओं को ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित करते हुए सभी दानदाता समाज सेवियों का आभार प्रकट किया और विश्वास जताया कि ट्रस्ट भव्य सेवा सदन के निर्माण के साथ साथ भविष्य में ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य सभी समाजों के उत्थान के लिए भी कुछ योजनाओं को अमल में लाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट अभी नव पल्लवित पौधे की तरह है, इसे सींचने व ट्री गार्ड की तरह सुरक्षा देना महत्वपूर्ण कार्य है। हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। सभी समाजों के साथ भाईचारे और सौहार्द की भावना को विकसित करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का हर समझ प्रयास करें, यही लक्ष्य लेकर चलना है। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों का आभार जताया। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, कोषाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, संरक्षक समिति संयोजक रामरचलाल शर्मा, सचिव महेश शास्त्री, अनुराग मुदगल ने भी विचार रखे। संचालन समाजसेवी एवं वरिष्ठ ट्रस्टी विशंबर दयाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर बंगाली बाबू पाठक, जयप्रकाश शर्मा, महेश शर्मा पूर्व सरपंच पिपरुआ, गोविंद शर्मा, राम गोविंद शर्मा, सती शर्मा मैनेजर, लज्जाराम शर्मा नायला, कुक्कू शर्मा, बालमुकुंद शर्मा, रमाशंकर उपाध्याय, रीतेश शर्मा, रामगोपाल शर्मा, संजय दीक्षित, अनुराग मुदगल, प्रशांत हुंडावाल, रमाकांत शर्मा खुड़ेला, मदन मोहन शर्मा एडवोकेट, लवकुश शर्मा, पी एस तिवारी, डॉक्टर सुशील शर्मा, डॉक्टर आशीष शर्मा, राजेश पाठक सहित कई ट्रस्टी व समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया।